दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। गुरुकुल में एक शिष्य था और एक गुरु था। शिष्य का जब शिक्षा समाप्त हुआ तो गुरु ने उसे जाते समय एक दर्पण दिया। दर्पण भी जादुई दर्पण, जिसके सामने आने पर खुद का चेहरा तो दिखता था, लेकिन जब उस दर्पण के आर पार देखा जाता था तो किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके भीतर क्या चल रहा है, उसे जाना जा सकता था। अब वह दर्पण को लेकर जब निकल रहा होता है, तब गुरु ने उस शिष्य को कहा कि बेटा, यह मेरी तेरी सीख स्वरूप यह मैं भेंट तुझे दे रहा हूँ। इसका जीवन में वास्तविक उपयोग करना। अगर तूने इसका गलत उपयोग किया तो हो सकता है तेरे जीवन में दुख आने लगे। अब शिष्य उस दर्पण को लेकर निकलता है। रास्ते में उसका मित्र मिलता है जो गुरुकुल के आसपास का ही रहा होता है। जब उस दर्पण के आर पार देखता है तो उसके भीतर उसे बहुत कुछ विकार दिखाई देता है, बहुत कुछ भ्रष्ट कामों में वह संलिप्त रहता है, ऐसा उसे उस दर्पण में दिखाई दे देता है। वह यह देखकर दुखी होता है क्योंकि वह उस मित्र को अच्छा समझ रहा होता है। फिर कुछ और आगे बढ़ता है, फिर एक परिचित व्यक्ति मिलता है। चुपके से वह दर्पण से कौतूहलवश देखना चाहता है कि इस व्यक्ति में भी क्या है। जब उसे देखता है तब वह भी चेहरा कुछ और अंदर से नीति वाला कुछ और निकलता है। वह यह देखकर आश्चर्य पड़ता है कि इस व्यक्ति को इस गांव में कितना माना जाता है, इसे कितनी इज्जत दी जाती है, लेकिन यह व्यक्ति तो इतना भ्रष्ट निकला, इतना यह व्यभिचारी है। करते करते वह दर्पण का उपयोग करता करता हुआ जाता है और दुखी होता जाता है कि ये संसार में लोग कैसे होते हैं, चेहरा कुछ और दिखाते हैं और होते कुछ और हैं। जब वह घर पहुंचता है तो वह अपने भाई बहनों पर प्रयोग करता है। भाई बहनों में भी वही विकार दिखाई देता है, उनमें अवगुण दिखाई देते हैं। अब वह सोचकर कि अब मेरे माता पिता में तो कोई अवगुण नहीं होगा, वह चुपके से दर्पण से अपने माता को भी और पिता को भी देखता है। अब माता और पिता में भी कई सारे अवगुण दिखाई दे देते हैं। यह देखकर वह बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है कि यह दुनिया कैसी है, सब में इतने अवगुण हैं, संसार में तो कुछ रह ही नहीं गया। और वह निराशा के भाव में, अवसाद के भाव में जाने लगता है। वह अकेला रहने लगता है, दुखी दुखी सा रहने लगता है, केवल इस बात से कि दुनिया में सारे के सारे लोग अवगुणी हैं, सारे के सारे लोगों में दोष है। फिर एक दो दिन बाद जब वह उसी स्थिति में रहता है, तब पिता उसे देखकर कहता है कि तुम एक बार अपने गुरु से भेंट कराओ, शायद तुम्हारी उदासी का कारण वो दूर कर सकें या सही मार्ग बता सकें, क्योंकि गुरु तो भगवान स्वरूप होता है, गुरु में कोई दोष नहीं होता है, और तुम गुरु से अपनी हर मन की बात कर सकते हो, क्योंकि तुम हमसे अपनी मन की बात कहने में झिझक रहे हो, लेकिन गुरु तो वह है जिसके सामने तुम एक दर्पण के समान रहोगे, जहाँ पर कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, गुरु तुम्हारी आँखों से सब कुछ समझ लेगा। अब पिता के इन वचनों को सुनकर इसके मन में सच में विश्वास आता है कि वास्तव में मेरे गुरु से अच्छा कुछ भी नहीं, मैं जरूर उनके पास जाऊंगा। जब वह जाता है, पहुंचता है, तो वही शरारती दिमाग, क्योंकि अभी उम्र वैसी थी, वह देखना चाहता है कि यह दर्पण कितना सच है, कितना झूठा है, यह दर्पण मेरे गुरु के बारे में क्या कहता है। और वह चुपके से गुरु के सामने दर्पण लाकर दर्पण के आर पार देखता है, और वह देखकर और दुखी हो जाता है कि यह क्या, मेरे गुरु में भी अवगुण हैं, कुछ कम हैं, लेकिन फिर भी अवगुण तो उनके भीतर भी हैं। वह निराश हो जाता है, निराश होकर गुरुकुल से वहाँ से वापस ही जाने वाला होता है कि गुरु उसके मन की बात ताड़ जाते हैं, और वह जान जाते हैं कि वही हुआ जिसका उनको अंदेशा था। वे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुम इस तरह निराश होकर यहाँ से क्यों जा रहे हो, क्यों तुम वापस आए थे, मुझे कहो। तब यह कहता है कि गुरु जी, मैंने इस दर्पण का उपयोग किया, मैंने लोगों को देखना चाहा, हर कोई भ्रष्ट है, हर कोई नकाब लगाकर घूम रहा है, करता कुछ और है, कहता कुछ और है, और असल में होता कुछ और है। और तो और गुरुजी, मेरे माता पिता भी अवगुणी निकले, उसके ऊपर आप तो भगवान सदृश हैं, आपको तो भगवान की उपाधि दी जाती है, आप तो गुरु हैं, आप में भी मुझे इस दर्पण में अवगुण दिखाई दे दिया, या तो यह दर्पण झूठा है, या फिर इस दुनिया में सारे लोग अवगुणी क्यों हैं। तब गुरु हंसते हुए कहते हैं, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इस दर्पण का सही उपयोग करना, तूने दुनिया को देखने का उपयोग किया, लेकिन दर्पण का जो मुख्य उपयोग है, जब तू दर्पण को अपने चेहरे को देखता, तू देख, अभी देख अपने दर्पण में अपने चेहरे को और ध्यान से देख क्या दिखाई देता है। जब शिष्य दर्पण के सामने अपने मुख को लाकर देखता है तो उसे अपने भीतर
बहुत सारे दोष ही दोष दिखाई देते हैं। पंच विकार से वह ग्रसित दिखाई देता है, उलझने ही उलझने, अवगुण ही अवगुण दिखाई देते हैं। तब गुरु कहते हैं कि मैंने इस दर्पण का उपयोग तुझे खुद के अवलोकन के लिए दिया था, न कि दूसरों के दोष देखने को। जब तू अपने इन दोषों को दूर करता चाहता तो दुनिया तुझे अच्छी दिखाई देती, तेरे जीवन में प्रसन्नता आती, लेकिन तूने उल्टा किया, तूने लोगों के अवगुण देखने चालू कर दिए। और यही हम दुनिया में करते हैं, हम दुनिया में दोष देखते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहते हैं। आज से तू इस दर्पण को ले जा, मेरी तरह से ये तेरी जीवन भर के लिए भेंट है। और तुझे जो भी अवगुण, हर दिन इस दर्पण को देखना, और तुझे अपने भीतर जो भी अवगुण दिखाई देता है, धीरे धीरे, क्योंकि यह धीरे धीरे ही होगा, अपने उन अवगुणों को मिटाते जाना, एक संकल्प लेना, एक कट्टरपन लाना और अपने अवगुणों को दूर करने में ही भिड़ जाना, फिर देख तेरे जीवन जादुई रूप से परिवर्तित हो जाएगा। गुरु के इन वचनों को सुनकर शिष्य परमानंद की अनुभूति लेता है, उसे सच्चा ज्ञान मिलता है और वह वहां से वापस जाता है और अब दर्पण का सही उपयोग करता है। दोस्तों, दर्पण हम भी देखते हैं अक्सर, हर दिन सुबह शाम, कई लोग दिन भर दर्पण में स्वयं को निहारते रहते हैं लेकिन अपने भीतर अवगुण देखने की कोशिश नहीं करते हैं। दर्पण में हम साज सज्जा पर तो ध्यान दे देते हैं लेकिन स्वयं को कैसे बदलें, स्वयं के भीतर क्या कमियां हैं, उसे कैसे दूर करें, उस पर कोई कार्य नहीं करते। और लगभग सभी लोग उसके भीतर दोष क्या है, इसके भीतर दोष क्या है, देश में क्या अव्यवस्था है, देश किस तरह बुरी तरह चल रहा है, वह नेता खराब, वह लीडर खराब, वह मंत्री खराब, यही देखते रहते हैं। भले हम गलत गलत काम करते चलते हैं, हम अपने भीतर अवगुणों को लेकर चल रहे होते हैं और निष्कर्ष क्या मिलता है, हमारा जीवन इसी तरह बीत जाता है, हमारे भीतर कोई सुधार नहीं आता है। तो जरूरत है हमें अपने भीतर अवलोकन लेने की। जब हम अपने एक एक दोष को धीरे धीरे सुधारते चले जाएंगे तो हमारा जीवन जादुई रूप से परिवर्तित होता चला जाएगा। जब भी हम अपने दोषों को देखना चालू करेंगे, अवलोकन साक्षी भाव ही वही चीज है, जब हम भी अपने उस दोष, अपने अवगुण, अपने विकारों को देखने भर से हमें वह साक्षी भाव मिलता है, हमें वह ज्ञान मिलता है कि यह अवगुण अब मेरे भीतर है, और फिर एक प्रेरणा मिलती है कि इसे दूर करना है। तो जरूरत है उस प्रेरणा को अपना सूत्र बना लेने की। जब भी ऐसा कोई गुरु मिले, कोई ऐसी घटना मिले जो आपको आपका चेहरा दिखाए, उसे धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको दर्पण दिखाने का काम किया। और दर्पण जब भी आप देखें, अगर आप कुरूप हैं, अगर आप सुंदर नहीं हैं, तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म को अच्छा बनाइए। आप सुंदर हैं, बहुत सुंदर मुखड़ा लिए हुए हैं, तब आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि सुंदर मुखड़े के साथ मेरा कर्म भी अच्छा होता चला जाए। तो इस तरह अगर दर्पण का सही उपयोग हो और अपने दोषों को हम दूर करते चले जाएं, तो हमारा जीवन भी सुंदर सुशोभित होगा, हम एक पुष्प की तरह पल्लवित होंगे और हम आसपास जहां भी रहेंगे, उस स्थान को, उस जगह को, उस प्रदेश को हम खुशबू से बिखेरते चले जाएंगे और आपके आसपास लोग आना चाहेंगे, आपसे कुछ लोग प्रेरित होते चले जाएंगे। और जब आप दूसरों की प्रेरणा बन गए, समझिए आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। तो इस तरह के दर्पण को अपने साथ भी रखिए। गुरु है तो फिर धन्यवाद दीजिए कि गुरु एक दर्पण दिखाने का काम करता है, और वह गुरु आपके जीवन में है तो उसे साधु धन्यवाद दीजिए, सहृदय से धन्यवाद दीजिए। गुरु नहीं मिला है, गुरु के लिए आप उपलब्ध नहीं हो पाए हैं या एक सच्चे शिष्य नहीं बन पाए हैं, तो अपना अवलोकन आज से ही करना चालू करिए और अपने दोषों को धीरे धीरे करके मिटाते चले जाइए।